अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। सो आज मैं काफ़ी दिनों बाद जो है ना व्लॉग की ना एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग्स तो जो है ना एडिटिंग करके रखे हुए थे लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। सो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। आज जी मैं बनाने लगी थी मसर चावल, और हम लोग के जो है ना वीक में या विद इन 2 वीक्स के बाद लाजमी बनते हैं, तो बस चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी करना क्या है, मैंने मसर ले ली है, उसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेने हैं। और उसके बाद जी ये तकरीबन 300 ग्राम होंगे, क्योंकि हमारे फैमिली के हिसाब से इतने ही मैं बनाती हूँ, तो आप लोग इस क्वांटिटी को डबल करके भी बना सकते हैं। सो इसके अंदर मैंने स्मॉल अनियन, 2 ग्रीन चिलीज़ और बाकी हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और नमक डालकर, और जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन, ये तीनों चीज़ें लाजमी डालनी है। इससे जो है ना आपका जो है ना दाल का, इसको मसूर भी कहते हैं, मसर भी कहते हैं, इससे आपका ना जो दाल में जो फ्लेवर है ना वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब मैं ना जो जब इसको शुरू में भी डाल देती हूँ तो उसका जो फ्लेवर है ना इन तीनों चीज़ों का, ये इतना अच्छा दाल में आता है कि आपको दाल चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मैं जी कुकर में बनाई थी, तो कुकर में जी आपने 15 मिनट के लिए रख देना और आपकी इतनी मज़े के जो है ना मसर तैयार हो जाएंगे। हम लगाने लगे हैं तड़का। 1/2 कप ऑयल ले लेना है आपने, उसके अंदर जी जिंजर गार्लिक डाल लेना है। मेरे पास क्यूब्स था सो मैंने इसको क्यूब में ही डाल लिया है, और आप लोग फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। सो बात आपने जी इसके अंदर डालनी है हरी मिर्चें, मैंने 2 स्लाइस करके कट कर ली थी। ज़ीरा आप लोग ने शुरू में भी डाल सकते हैं और एंड पे भी आपने डालना है। सो 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा इसमें भी डाला था। ये जी हमारा तड़का जो है ना वो रेडी हो चुका हुआ है। सो अब मैं इसके अंदर जो है ना चिलीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि इससे जो आपका फ्लेवर एंड पे आता है ना, कोई भी दाल हो लिटरली, वो इतनी यमी बन जाती है कि आप लोग दाल चावल जो है ना वो रोज़ भी खाएं तो आप लोगों को वो मज़े के लगें। सो तड़का जो है ना वो ऑलमोस्ट लगने वाला है, और उसके बाद बाकी भी बहुत ज़्यादा काम है जो मैं आप लोग मेरे साथ चलोगे तो आप लोग देखोगे। और बस ये जी हमारी आज की जो है ना मैंने बनाए थे दाल चावल, और अब मैं जो है ना इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी दाल के अंदर। अच्छा, कई लोग ना शुरू में भी तड़का लगा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दाल जब बॉयल हो जाती है ना, उसके बाद जो एंड पे तड़का लगता है ना, उससे ज़्यादा फ्लेवर जो है ना एनहेंस होता है। सो मेरी दाल तो बन चुकी हुई थी। तो ये नेक्स्ट डे हो चुका हुआ था, मैं जा रही थी मामा की तरफ, क्योंकि मैंने जाना था जी बाज़ार, और बच्चों के साथ बाज़ार जाना आप सब मदर्स को तो पता ही होगा कि कितना मुश्किल है। तो थी मामा की तरफ, और वहाँ से जी मैं सिस्टर के साथ जो है ना वो आगे जाऊँगी, और जो है ना अब लोग अभी हम लोग रस्ते में, और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम पर, धूप सख्त निकली हुई थी, लेकिन एक दिन ही जाना होता तो वो यही होता है कि हम लोग सिर्फ सुबह अर्ली ही चले जाएँ। सुबह हम घर पहुंच गए थे, बच्चों को ज़रा सेट शेट करके खाना शाना खिला के सुला दिया था मैंने, और उसके बाद जी हम लोग निकल गए। अभी जो है मैंने लेनी है घर की कुछ चीज़ें, और बच्चों का लेना है स्विमिंग पूल, तो देखते हैं अब क्या हमें मिलता है। अभी हम निकले हैं, और बाहर जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस अब हम जा रहे हैं। उसके बाद जो है ना मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग जी पहुंच चुके हुए थे, मैं अपनी जी फेवरेट मार्केट में आ चुकी हुई थी, जहाँ पे इतनी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी कपड़ों की, शर्ट पीसेस बहुत अच्छे आए हुए थे, इतने प्यारे प्यारे शर्ट पीसेस आए हुए थे, और ये जो आजकल स्विस लॉन के साथ दुपट्टा है, और बिल्कुल 3 पीस प्रिंटेड सेम एज आए हुए थे, तो बहुत अच्छे लगे थे। मेरी सिस्टर ने भी जो है ना शॉपिंग करनी थी, सो मैंने भी इनमें से जो है ना 1-2 शर्ट्स खरीद ली थी। और उसके बाद जी अब्दुल्ला नूर का जी हमने स्विमिंग पूल लिया, और हम लोग घर आ गए। सो मैं नेक्स्ट डे जी घर आ चुकी हुई थी बस, और अब हम इनको जो है ना स्विमिंग पूल ओपन करके देने लगी थी, क्योंकि इनसे वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा दिन तो नहीं रही थी, एक दिन ही मैंने जाना था, क्योंकि मैंने अपने वही छोटे मोटे घर के काम करने थे। सो ज़्यादा मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की, इतनी गर्मी थी। अच्छा जी, फिर जो है ना घर आ तो चुके थे, रूटीन वही सारी थी सब। डे सेलिब्रेशन था, वो भी जो है उसके लिए भी जाना था एक दिन, और उसके बाद जी उन्होंने कहा था जी कार्ड बना के जो है ना मदर के साथ आपने ना हैंडमेड जो है ना कार्ड बना के, और ख़ुद भी आपने साथ करना है, और साथ जो है ना बच्चे को भी आपने ना मोटिवेट करना है कि वो
कार्ड जो है ना वो ख़ुद बनाए। सो बस वो बनाया और वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इस बार नहीं इसमें मैंने किया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो फिर हो जाती है। सो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर जी उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो अली मदा से इधर अली मदा ओके बकरी बिल्ली बकरा बकरी पे से बच्चा। के बाद जी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, उसमें रूटीन इतनी बिजी होगी जो अभी मैं ना अब्दुल्ला को उर्दू का उसका पेपर था जो कि मैं उसको तैयारी करवा रही थी। और बस उसके बाद ही हो गई थी समर वेकेशन। होप यू लाइक माय वीडियो, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।